ओके अभी आपका टॉपिक है आईबॉल। आईबॉल पढ़ने के पहले कंटेंट ऑफ ऑर्बिट एक बार पढ़ के फिर आईबॉल पढ़ना, क्योंकि कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में अपन ने दो फेसिया पढ़े थे, एक पेरी ऑर्बिटा और ऑर्बिटल फेसिया, बल्बर फेसिया और टेनॉन्स कैप्सूल। ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उसका रिलेशन थोड़ा सा आने वाला है स्क्लेरा के ऊपर। ये आईबॉल पहला टॉपिक है, आईबॉल की डेफिनेशन। आईबॉल इज एन ऑर्गन ऑफ साइट। मैंने पहले बताया आपको, स्पेशल सेंस जितने भी रहते उनकी डेफिनेशन छोटी रहती। आईबॉल इज एन ऑर्गन ऑफ साइट। आईबॉल की इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी जो भी है, आईबॉल जिसके लिए पहचाने जाता, वो मतलब आईबॉल में तीन कोट रहते। उसमें एक रहता आउटर फाइब्रस कोट, आउटर फाइब्रस कोट, ये व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से बना रहता। आउटर फाइब्रस कोट में दो बातें आती, एक आता स्क्लेरा और दूसरा आता कॉर्निया। अब स्क्लेरा एंड कॉर्निया, अगर आईबॉल निकाला तो ये साइड में जिसका और आईबॉल का डायरेक्शन ये साइड में है, ऐसा अपन आईबॉल निकालेंगे। ये पूरा जो ब्लैक कलर से निकालेंगे हम आखिरी तलक के, वो पूरा आउटर फाइब्रस कोट बताएंगे। ये आउटर फाइब्रस कोट में ये जो पीछे का लेस कॉन्वेक्स पार्ट बताया, ये वाला, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। और ये मोर कॉन्वेक्स पार्ट जो है वो है कॉर्निया। मतलब आप अगर सामने से ऐसा आईबॉल को इमेजिन करेंगे, मेरे राइट साइड का आईबॉल इमेजिन करना, तो ये सामने का जो ब्लैक कलर का दिखता वैसे मेरे आंखी में भी ब्लैक कलर का दिखता। एक्चुअली वो व्हाइट कलर का है, वो ब्लैक कलर का क्या है हम आपको आगे बताएंगे। तो ये सामने का जो भी पार्ट है छोटा सा, ये कॉर्निया है। और पीछे का जो अपने आंखी में ये ग्रीन कलर का है, अपने आंखी में व्हाइट कलर का दिखता, वो है स्क्लेरा। जैसे मौसम्बी को अपन ब्लेड मार के मौसम्बी का बाहर का कवरिंग निकालते, वैसा आईबॉल को अपने को तीन बार ब्लेड मार के उसको तीन बार कोटिंग निकालना पड़ेगा। मौसम्बी को जैसा बाहर की कोटिंग रहती, वैसा आईबॉल को तीन कोटिंग रहते। अब ये आईबॉल को अपन इस तरीके से रख रहे और इस तरीके से रख के बीच में से काट रहे, और काटने के बाद इधर से आपको लेयर दिखेगी। इसका मतलब ये जो आईबॉल है, ये आईबॉल में पीछे का जो पार्ट दिख रहा वो स्क्लेरा है, ये वाला, और सामने का जो पार्ट है वो कॉर्निया है। एक्चुअली आईबॉल को अगर देखे, ये समझो मैं छोटा आईबॉल निकाल के बताऊं, तो आईबॉल में दो अलग अलग रेडियस के सर्कल होते हैं। ये अगर कॉर्निया लूं तो ये कॉर्निया का एक अलग सर्कल होता है और स्क्लेरा का एक अलग सर्कल होता है। मतलब कॉर्निया का सर्कल छोटा होता है क्योंकि उसका कर्वेचर ज्यादा होता है। इसलिए ब्लैक कलर से जितना भी निकाला और इसके आगे जितना भी निकालूंगा वो आउटर फाइब्रस कोट ही रहेगा। आउटर फाइब्रस कोट में पीछे का जो पार्ट बताया, ये वाला, ये स्क्लेरा है, सामने का कॉर्निया है। अब दूसरी कोट इसके अंदर रहती, वो ब्लड वेसल की कोट रहती, इसको मिडल वस्कुलर कोट बोलते हैं।
मिडल वास्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक्ट, मिडल वास्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक्ट, इसमें तीन बातें आती हैं। जो सबसे पीछे का पार्ट है इसको बोलते हैं कोरोइड, आईबॉल के सेंटर में आने के बाद में यहां पे कट सेक्शन में जो ट्रायंगुलर पार्ट दिखता, जो थिकेस्ट पार्ट रहता, थिकेस्ट पार्ट, उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और सामने के साइड में एक सर्कुलर कर्टन रहता जो वो मिडल वास्कुलर कोर्ट का सबसे सामने का पार्ट है, इसको बोलते हैं आयरिस। मतलब पीछे वाला कोरोइड, बीच वाला सिलियरी बॉडी, सामने वाला आयरिस। कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस, ये आपका दो नंबर की कोटिंग में दो नंबर का कोट आता है, मिडल वास्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक्ट, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस। और तीसरा नर्वस टिश्यू को जुड़ने वाला, जो आंखी ने देखा है वो ब्रेन को बताने के लिए जो लेयर रहती उसको इनर नर्वस कोर्ट बोलते हैं, और इनर नर्वस कोर्ट में एक ही चीज आती है, उसको बोलते हैं रेटिना। तो कोरोइड और स्क्लेरा, इसके बीच में स्पेस दिखता, लेकिन कोरोइड और उसके अंदर की रेटिना, इसके बीच में स्पेस नहीं रहता, ये उसको चिपक के रहता। तो ये जो ब्लू कलर से निकाली हुई लेयर है ये आपकी रेटिना है। ये पहले तीन कोट आपने अच्छे से समझ लेना। हमने तीनों के लिए अलग अलग कलर यूज किए हैं। आउटर फाइबरस कोट दैट इज स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडल वास्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक्ट कंटेन कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस, और इनर नर्वस कोट दैट इज रेटिना। ये तीन कोट एग्जाम में क्वेश्चन आते बराबर पहले ये तीन कोट निकाल लेना। अब इसमें का आपको स्क्लेरा शुरू करना है, तो स्क्लेरा में पहले चार पॉइंट समझ लो। ये अगर अपने आंखी दे आईबॉल लिए, इसको अगर अपन ने सरी के टुकड़े किए, सरी के पीस अगर गिराए, छह टुकड़ों में आईबॉल को डिवाइड किया, उसमें पीछे के जो पांच टुकड़े रहते वो स्क्लेरा बनाता। मतलब छह पीस में से पीछे के पांच पीस का स्क्लेरा बनाता और सामने का सिर्फ एक टुकड़ा जो रहता वो कॉर्निया बनाता। मतलब 56 पार्ट स्क्लेरा लेता और एंटेरियर 16 पार्ट कॉर्निया लेता। देयरफॉर पहला सेंटेंस लिखना, स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इट फॉर्म द पोस्टेरियर 56 पार्ट ऑफ आईबॉल। आईबॉल का पीछे का छह में से पांच भाग स्क्लेरा लेता है, और स्क्लेरा कॉर्निया को जहां पे जुड़ता है उसको बोलते हैं स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। यह आपको कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में भी आया था, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्बस। इसलिए अब जो जो सेंटेंस तैयार हुए वो सेंटेंस देख लो। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू
इट फॉर्म द पोस्टेरियर फिफ्थ सिक्स पार्ट ऑफ आईबॉल, पोस्टेरियर फिफ्थ सिक्स पार्ट ऑफ आईबॉल, एंटेरियरली इट जॉइंस विथ कॉर्निया एट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। ये चार सेंटेंस पहले अच्छी तरीके से देख लेना। अब तुमको याद रहने के लिए हम एक ट्रिक्स देते हैं। जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से तुम्हारा स्क्लेरा निकला, वो स्क्लेरा आखिरी ऑप्टिक नर्व जहां से निकलती है, ऑप्टिक नर्व जो रेटिना से निकलेगी, जो आंखी ने देखी हुई ऑब्जेक्ट की चीजें ब्रेन को बताने के लिए, तो जहां से स्क्लेरा निकला मतलब स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से, वहां से तो ऑप्टिक नर्व तक के स्क्लेरा की हर जगहों पे थिकनेस सरीकी नहीं रहती, तीन जगहों पे थिकनेस अलग अलग रहती, और वही आपको तीन पॉइंट अप करना है। स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन जो होता है उसके 6 मिलीमीटर पीछे गए आप, मतलब ये आपका कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरा है, ये स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है, ये पूरा, ये स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के 6 मिलीमीटर पीछे गए आप, तो यहां पे स्क्लेरा सबसे पतला रहता। क्यों? क्योंकि कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में आपने देखा है आईबॉल को पकड़ के मोमेंट करने के लिए आईबॉल के आजू बाजू में चार रेक्टाई मसल्स होती है। चार रेक्टाई मसल में सुपेरियर रेक्टस, इंफेरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लैटरल रेक्टस। ये चार रेक्टाई मसल को इंसर्शन करने के लिए आईबॉल का स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के 6 मिलीमीटर बिहाइंड वाला पार्ट पतला रहता है। देयरफॉर 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन देयर इज ए थिनेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन थिनेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। जहां पे तुम्हारी रेक्टाई मसल इंसर्शन करती। दूसरा पार्ट, जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व निकल रही, वो ऑप्टिक नर्व के आजू बाजू का जो पार्ट रहता, ऑप्टिक नर्व जहां से भी निकलेगी, मतलब अभी आप ऐसा सोचो कि ये कॉर्निया है, ये पीछे का स्क्लेरा है, ये पीछे से हमने ऑप्टिक नर्व के फाइबर निकलते हुए देखे, ऑप्टिक नर्व जहां से निकलेंगी उसका पेरिफेरल पार्ट, ये स्क्लेरा का सबसे थिकेस्ट पार्ट रहता, दैट इज पेरीफेरी टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। पेरीफेरी टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व देयर इज ए थिकेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। मतलब 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन थिनेस्ट पार्ट, पेरिफेरी टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व थिकेस्ट पार्ट, और जहां से तुम्हारी ऑप्टिक नर्व निकल रही, मतलब स्क्लेरा का जो पार्ट है, जहां से समझो स्क्लेरा का वो पीस अगर यहां पे निकाले, यहां से ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स निकलेंगे, क्योंकि नर्व एक्सॉन से बनती है, हम आपको ब्रेन में पढ़ाएंगे, नर्व इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन एंड न्यूक्लियस इज द कलेक्शन ऑफ साइटॉन। आपकी जो नर्व निकलती है ऑप्टिक नर्व, वो ऑप्टिक नर्व जहां से निकलती वहां पे स्क्लेरा को बारीक बारीक छेद रहते, वो पार्ट को बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा। एनाटॉमी की ये लैंग्वेज है, क्रिब्रीफॉर्म वर्ड कहीं पर भी आता है, जैसा क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन आपने सुना है, जहां से ऑल्फैक्ट्री नर्व के फाइबर गए थे, वैसा ये स्क्लेरा की एक छोटी सी पट्टी है, पट्टी मतलब लैमिना है, जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व निकलती है, इसलिए उसको लैमिना क्रिब्रोसा बोलते हैं। वो ऑलरेडी ऑप्टिक नर्व को जाने के लिए बारीक बारीक छेद देती, मतलब वो वीकेस्ट पार्ट है। इसका मतलब लैमिना क्रिब्रोसा ये स्क्लेरा का वीकेस्ट पार्ट होता है।
और कुछ ऐसे डिसीजेस रहते हैं कि जो डिसीजेस में आईबॉल का प्रेशर बढ़ता है, आईबॉल के अंदर एक प्रेशर रहता है, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर। वो इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर किस चीज से मेंटेन रहता है वो हम आपको बताएंगे। जब भी कोई डिसीज में आंखी के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो आईबॉल की साइज भी बढ़ेगी, और साइज बढ़ते बढ़ते जो वीक पार्ट है वो पीछे बलून मार देगा। If the intraocular pressure is increased, then lamina cribrosa bulges posteriorly, पीछे के साइड में, उसको बोलते कपिंग ऑफ डिस्क, इट इज कॉल्ड एज कपिंग ऑफ डिस्क। मतलब अभी आपको थिनेस्ट पार्ट भी समझा, थिकेस्ट पार्ट भी समझा, अब आपको वीकेस्ट पार्ट है। एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, थिनेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेर, वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा इज प्रेजेंट, वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्क्लेरा कॉल्ड एज लैमिना क्रिब्रोसा। इफ द इंट्राऑक्युलर प्रेशर इंक्रीजेस, इफ द इंट्राऑक्युलर प्रेशर इंक्रीजेस, देन लैमिना क्रिब्रोसा, लैमिना क्रिब्रोसा बल्जेस पोस्टेरियरली टू फॉर्म कपिंग ऑफ डिस्क। अब तुमको ध्यान में रखने के लिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो सोच के लिखने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आप पहले माइंड में फिट कर लो। स्क्लेरा के ये चार पॉइंट आएंगे। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, इट फॉर्म द पोस्टेरियर 5/6 पार्ट ऑफ आईबॉल, एंटेरियरली जॉइंट्स विद कॉर्निया एट द स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। ये चार पॉइंट पहले ध्यान रखना, क्योंकि यही पॉइंट कॉर्निया में भी आएंगे, क्योंकि कॉर्निया भी आउटर मोस्ट लेयर ही है, कॉर्निया भी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से ही बना है, सिर्फ कॉर्निया एंटेरियर 1/6 पार्ट बनाएगा और स्क्लेरा कॉर्निया को जुड़ते समय एंटेरियरली जुड़ा, तो कॉर्निया स्क्लेरा के साथ जुड़ते समय पीछे जुड़ेगा, दैट इज कॉर्निया पोस्टेरियरली जॉइंट टू स्क्लेरा एट द स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। इसका मतलब आपको पहले चार पॉइंट सेम ही आने वाले हैं, फिर तीन पॉइंट कैसे आएंगे, थिनेस्ट, थिकेस्ट एंड वीकेस्ट, ये तीन पॉइंट करना। 6 मिलीमीटर बिहाइंड द स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन देयर इज थिनेस्ट पार्ट, पेरिफेरी टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व देयर इज थिकेस्ट पार्ट, एट द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व देयर इज वीकेस्ट पार्ट कॉल्ड एज लैमिना क्रिब्रोसा। और आंखी का प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो लैमिना क्रिब्रोसा बल्जेस पोस्टेरियरली टू फॉर्म अ कपिंग ऑफ डिस्क। ऐसा सोचो आप कि समझो साइकिल का ट्यूब, अपन ने नया ट्यूब लाए साइकिल में डालने के लिए, तो अपन पहले डालने के पहले चेक कर लेते, फिर चेक करते समय उसमें हवा भरते, फिर वो फूलता, और ज़्यादा फुलाया तो और फूलेगा, लेकिन लिमिट से बाहर फुलाया तो जहाँ पे भी वो वीक दीवार होगी, उसकी वीक वाल होगी, वहाँ पे एक बलून तैयार हो जाएगा और बाद में फिर वो फूटेगा। वैसा आर्टरी में भी प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ और आर्टरी के ऊपर अगर मसल का प्रेशर नहीं है, कुछ कुछ बॉडी में पार्ट ऐसे रहते कि जो पार्ट में आर्टरी के ऊपर मसल नहीं रहती, जैसी लोअर लिम में एक एडक्टर कैनाल नाम की कैनल रहती, वो कैनल होती है उसमें से एक आर्टरी पास होती है, फीमोरल आर्टरी नाम की आर्टरी उसमें से पास होती है। जब भी पैर में ब्लड प्रेशर बढ़ता है या जो भी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने के रीज़न से, तो वो कंडीशन में आर्टरी पे भी कभी कभी बलून आता है, उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। वैसा ही आपके स्क्लेरा में एक पीछे का पार्ट पोस्टीरियरली बल्जस होता है, वो बल्जस हुए पार्ट को कपिंग ऑफ डिस्क बोलते हैं। मतलब तीन चीज आपको ये हो गई, थिनेस्ट, थिकेस्ट एंड वीकेस्ट। अब तुम्हारे स्क्लेरा के ऊपर जाएंगे आप, तो स्क्लेरा के ऊपर आपका बल्बर फेशिया है जो आपको कंटेंट ऑफ ऑर्बिट में आएगा, बल्बर फेशिया और टेनॉन्स कैप्सूल। ये जो स्क्लेरा है ये बल्बर फेशिया है, ये दोनों के बीच में एक स्पेस दिखता है,
ये दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इपिस्क्लेरल स्पेस, इपिस्क्लेरल स्पेस। और स्क्लेरा और कोरोइड, ये जो कोरोइड है, कोरोइड और स्क्लेरा के बीच में एक स्पेस होता है उसको बोलते हैं सुप्रा कोरोइडल स्पेस, सुप्रा कोरोइडल स्पेस। इसको लैमिना फस्का भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिना फस्का। बस ये दो पॉइंट अभी आपको लिखना है, स्क्लेरा के ऊपर क्या है, स्क्लेरा के नीचे क्या है। स्क्लेरा के ऊपर बल्बर फेशिया है, टेनॉन्स कैप्सूल जिसका दूसरा नाम है, उसके बीच में एक स्पेस होता है उसको बोलते हैं इपिस्क्लेरल स्पेस। मतलब 9 नंबर का पॉइंट है, सुपेरियरली स्क्लेरा सेपरेटेड फ्रॉम बल्बर फेशिया बाय इपिस्क्लेरल स्पेस, इपिस्क्लेरल स्पेस। और नीचे इंफेरियरली स्क्लेरा सेपरेटेड फ्रॉम कोरोइड बाय सुप्रा कोरोइडल स्पेस, सुप्रा कोरोइडल स्पेस और लैमिना फस्का। ये आपके 10 पॉइंट हो गए। और आखिरी का एक पॉइंट लिखना, स्क्लेरा इज अवस्कुलर, स्क्लेरा को ब्लड सप्लाई नहीं रहता, स्क्लेरा इज अवस्कुलर। सिंपल पॉइंट है, पहले 4 पॉइंट कॉमन है, बाद में 3 पॉइंट थिकनेस पे है, बाद में 2 पॉइंट ऊपर नीचे के स्पेस पे है, और आखिरी का एक पॉइंट स्क्लेरा इज अवस्कुलर। ओके, समझा? दैट इज शुरुआत जब की अपन ने आईबॉल इज एन ऑर्गन ऑफ साइट। आईबॉल इज एन ऑर्गन ऑफ साइट मतलब आंखी एक देखने का ऑर्गन है, नोज एक ब्रीदिंग का ऑर्गन है, कान एक सुनने का और बैलेंस का ऑर्गन है। दैट इज आईबॉल इज एन ऑर्गन ऑफ साइट। आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 कोट, आउटर फाइब्रस कोट, मिडल वास्कुलर कोट और यूवियल ट्रैक एंड इनर नर्वस कोट। आउटर फाइब्रस कोट कंटेन्स स्क्लेरा एंड कॉर्निया, मिडल वास्कुलर कोट कंटेन कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस एंड इनर नर्वस कोट दैट इज रेटिना। कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस। आउटर फाइब्रस कोट में स्क्लेरा लिखा और स्क्लेरा के अपन ने 11 पॉइंट लिखे। कोई डाउट है? कॉर्निया पढ़ाओ। ओके, वीडियो थम दे। अभी आपको आउटर फाइब्रस कोट का कॉर्निया शुरू करना है, फिर वही 4 पॉइंट आएंगे। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू इट फॉर्म द एंटेरियर 1/6 पार्ट ऑफ आईबॉल कॉर्निया पोस्टेरियरली जॉइंट्स विद स्क्लेरा एट द स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। कॉर्निया पोस्टेरियरली जॉइन विथ द स्क्लेरा एट स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन और लिम्बस। फिर बाद में यहां से नया टॉपिक आया,
कॉर्निया इज मोर कॉन्वेक्स देन स्क्लेरा। ये जो कॉर्निया का कर्वेचर है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्निया से सर्कल निकालेंगे तो सर्कल छोटा निकलेगा, क्यों? क्योंकि कॉर्निया का कर्वेचर ज्यादा होता है। लेकिन ये कर्वेचर 35-40 साल के बाद ऑटोमेटिक इसका कर्वेचर कम होते जाता है, जैसा जैसा पर्सन का एज बढ़ते जाता है। इसलिए उम्र के हिसाब से नजीक का या दूर का चश्मा लगना ये नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि कॉर्निया का कर्वेचर ही फिजियोलॉजिकली चेंज होता है। इसलिए कॉर्निया इज मोर कॉन्वेक्स देन द स्क्लेरा, बट कर्वेचर डिमिनिशेस एज द एज इंक्रीजेस। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात का, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ फाइव लेयर्स, ये तो आपको याद ही करना है। बोलो, कॉर्नियल एपिथेलियम बोमन्स मेम्ब्रेन सब्सटेंशिया प्रोप्रिया डेस्मेट्स मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस मेसोथेलियम कॉर्नियल एपिथेलियम बोमन्स मेम्ब्रेन सब्सटेंशिया प्रोप्रिया डेस्मेट्स मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस मेसोथेलियम। बोलो, बोलो 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 और लास्ट सेंटेंस, कॉर्निया इज अवस्कुलर, मतलब आउटर फाइब्रस कोट को ब्लड सप्लाई नहीं होता। आउटर फाइब्रस कोट में स्क्लेरा एंड कॉर्निया दोनों भी चीज आते, समझा? ओके, आईबॉल के जितने भी लेयर्स आपको हम पढ़ाएंगे, मतलब कॉर्निया के 5 आएंगे, कोरोइड के 3 आएंगे और रेटिना के 10 आएंगे, उसमें एक भी लेयर ऊपर नीचे नहीं होने को होना, वैसी की वैसी ही लेयर आपको याद करना है। कॉर्नियल एपिथेलियम, बोमन्स मेम्ब्रेन, सब्सटेंशिया प्रोप्रिया, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एंड सिंपल स्क्वामस मेसोथेलियम। बीच में का जो आपका कोरोइड नाम का पार्ट है मिडल वस्कुलर कोर्ट का, उसमें भी 3 लेयर रहती, आउटर वस्कुलर लेयर, मिडल कैपिलरीज लेयर, इनर बेसल लेयर और रेटिना में भी 10 लेयर रहती। आउटर पिगमेंटेड लेयर, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर मॉलिकुलर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर मॉलिकुलर लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर, नर्व फाइबर लेयर एंड इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जब हम रेटिना पढ़ेंगे तब आपसे याद भी करा के ले लेंगे, समझा? ओके, कोई डाउट है? कंटेंट ऑफ ऑर्बिट जब तक के पलटे नहीं तब तक के आईबॉल को हाथ मत लगाओ। जब कंटेंट ऑफ ऑर्बिट पढ़ाया था तब भी हमने बताया था कि हम आपको आईबॉल, जो आखिरी का टॉपिक है, आखिरी HNF में आखिरी में आता है, उसके टाइम तुमको ये 2 फेसिया काम आने वाले हैं। ओके, समझा?